हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल केमिकल फ्री गार्डनिंग। देख रहे हैं आप, एक ही प्लांट पे मेरा वाइट कलर का ये कितने ढेरों फूल खिल रहे हैं, अनगिनत बहुत फूल खिल रहे हैं। उसमें 25-30 फूल होंगे और ढेर सारी बर्ड्स भी आई हुई हैं, ढेर सारी कलियाँ आई हुई हैं। तो आज मैं बताने वाली थी, मैंने इस वाले रोज़ की मैंने कटिंग लगाई थी और जो बहुत अच्छे से सक्सेस हो गई थी, उसमें फ्लावरिंग भी शुरू हो गई थी। और इसमें भी देखो कितनी ढेर सारी बंचेस में कलियाँ आई हुई हैं, बहुत ढेर सारी कलियाँ आई हुई। ये प्रून करने के बाद में, करीब एक महीने के बाद में, इसमें इसका ये रिज़ल्ट आया है, ये ढेरों कलियाँ ही कलियाँ आई हैं। तो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, बहुत अच्छे से ग्रो भी हो गई थी, तो मैंने उस पर ग्राफ्टिंग की थी। इस वाले रोज़ पे मैंने ये इस पर मैंने ग्राफ्टिंग की थी। ग्राफ्टिंग करने के बाद में मतलब बहुत ढेर सारी ब्रांचेस हो गई थी इसमें, मगर मैंने सारी कट की थी और ये वाली मैंने ब्रांच इस पर ग्राफ्ट की थी। और देखो इसमें बर्ड्स भी खिलने लगी है, जो आई बर्ड्स होती है वो नोड एरिया से आई बर्ड्स खिलने लगी थी और अच्छे से सक्सेस भी हो गई थी। मगर बच्चों ने ये तोड़ दी बुरी तरह से और ये बिल्कुल बेकार हो गई। तो मैं इसे रिपोर्ट करने जा रही थी, मैंने सोचा चलो खाद लगा दूँ। कई दिनों से बंद उसमें पॉलीथीन में बैग में बंद थी, तो मैंने सोचा इसे रिपोर्ट कर दूँ। तो इसमें मेरे धान की भूसी, धान की भूसी और ये निमोटोडर्मा है, ट्राइकोडर्मा वेरडी, ये कई कंपनियों से आता है। तो ये मैं इसमें यूज़ कर रही हूँ ट्राइकोडर्मा, जो फंगल इन्फेक्शन से बचाएगा। ये हमारा, ये भी एक तरह से फंगस होता है, मित्र फंगस होता है, मित्र फफूंद होता है ये, जो हमारे प्लांट्स के लिए बहुत अच्छा होता है, फंगस से बचाता है, फंगल इन्फेक्शन से। तो मैं एक नीचे डाल दूंगी इसमें थोड़ी सी ये फंगल इन्फेक्शन से बचाने के लिए। मगर ये डालने से पहले ध्यान रखिएगा, ये केमिकल वाला यूज़ मत कीजिएगा, क्योंकि ये भी एक तरह से फंगस के बैक्टीरिया होते हैं, तो ये केमिकल वाला इन्हें मार देगा ट्राइकोडर्मा को। तो ये मतलब केमिकल डालने से पहले ये मत डालिएगा। और ये मेरा एप्सम सॉल्ट है, ये भी मैं डाल दे रही हूँ, क्योंकि ये पूरी तरह से इसकी रूट खुल गई है। वैसे सर्वाइव कर जाएगा क्योंकि देसी रोज है। तो ये एप्सम सॉल्ट है, किसी भी मेडिकल स्टोर से आप ले सकते हैं, मैग्नीशियम सल्फेट बोल के। और ये देखिए प्राइस इसका 12 रुपये का 100 ग्राम मिलता है, तो बहुत सस्ता है, आप आराम से ले सकते हैं मेडिकल स्टोर से, लोकल से। ऑनलाइन मंगाएंगे तो ये बहुत महंगा मिलेगा, मगर मेडिकल शॉप से लीजिएगा सस्ता भी पड़ेगा। तो इसमें मैंने खाद मिलाई है गोबर की, और थोड़ी सी चाय पत्ती जो यूज़ की हुई होती है वो मिलाई है, एक मुट्ठी के समथिंग। ये अच्छे से मैंने मिक्स करके इसमें मैं भर दूंगी और इसे रिपोर्ट कर दूंगी, जिससे कि इसकी ग्रोथ फिर से अच्छी हो जाए, मैं फिर से रिपोर्ट कर सकूँ। बहुत बुरा लगता है जब चीज़ सक्सेस हो जाती है और वो ख़राब हो जाए, तो बहुत ही बुरा लगता है मुझे, अंदर से बहुत गुस्सा भी आया, बुरा भी लगा। फिर मैं अपने प्लांट के पास आके शांत कर लिया अपने मन को मैंने। और ये देखो इस तरह से मैंने पूरा फिल कर दे रही हूँ। फिल करने के बाद में मैं एक थोड़ी सी गोबर की खाद और डालूंगी, जिससे कि मेरे प्लांट को अच्छा न्यूट्रिएंट और ग्रोथ मिल जाए। इस तरह से पटक लेंगे जिससे कोई भी एयर पॉकेट ना रहे, और ये होल करके मैं इसमें ये लगा दूंगी। और गुलाब के लिए चाय पत्ती बहुत अच्छा वर्क करती है, आप गुलाब में चाय पत्ती डालिएगा तो उससे मिट्टी को एसिडिक बनाएगी और बहुत अच्छे से ये वर्क करेगा। मैं थोड़ा सा ऊपर और डाल दे रही हूँ जड़ों के पास में, जिससे रिपोर्टिंग शॉक ना लगे एप्सम सॉल्ट। तो आप इसे इस तरह से लगा दीजिए और मैं इसमें मिट्टी फिल कर देती हूँ पूरी तरह से। मैं सोच रही हूँ इसकी रोज जितनी भी रूट निकली हुई वो अंदर ही अंदर रहे मिट्टी के। और काफ़ी अच्छे से ग्रो हो गया था, बहुत फ्लावरिंग कर रहा था, कम से कम 8-10 फूल भी निकले थे इसमें। पर मैंने इसमें सोचा ग्राफ्टिंग कर दूँ, देसी रोज़ है इस पर हो जाएगा, मगर क्या करूँ, बुरा लग रहा है अंदर से, अच्छा भी नहीं लग रहा। मेरा अच्छी खासी ग्राफ्टिंग रेडी हो गई थी और तोड़ दी, बिल्कुल सेट हो गई थी वो, तोड़ दी। मैं काफ़ी दिनों तक मैंने पॉलीथीन से पैक करके रखा था, ये मैंने अक्टूबर में की थी ये ग्राफ्टिंग, अच्छे से चल भी गई थी। मैं किस्मत मेरी अच्छी नहीं है, ये ख़राब कर दिया। और ये इस तरह से खाद की एक मुट्ठी खाद मैं ऊपर से और डाल दूंगी, जिससे कि पानी के साथ नीचे जाए, क्योंकि नीचे वाली खाद तो नीचे ही रहेगी, मगर जो मैं ऊपर से डालूंगी वो पानी के साथ साथ जड़ों को मिलेगी। तो इस तरह से मैं डाल के ऊपर से कवर कर दूंगी इसे। और धान की भूसी ज़रूर मिलाइए, जिससे ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा। ड्रेनेज सिस्टम अच्छा रहने से आपके प्लांट गुलाब को फंगल इन्फेक्शन से बचाव भी हो जाएगा। वैसे ट्राइकोडर्मा डालने से बस इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, ट्राइकोडर्मा अगर डाल रहे हैं तो आप केमिकल फंजीसाइड मत डालिएगा, 15 दिन पहले और 15 दिन बाद बिल्कुल भी केमिकल फंजीसाइड मत डालिए, क्योंकि वो केमिकल ही आपके इस मित्र फफूंद को खा जाएगा और ये बढ़ने भी नहीं देगा, है ना फ्रेंड्स। ये मैंने रिपोर्ट कर दिया और पानी लगा के मैं शेड में रखूँगी। नई जानकारी के साथ फिर मिलूँगी, तब तक मेरी वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, गार्डनिंग करते रहिए। बाय बाय फ्रेंड्स।